हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्वेस्टोशाला पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में आता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर्स का। ये क्या होता है, इसका यूज कब किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट, है ना। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सर एक यूनिवर्स का फॉर्मूला होता है, यूनिवर्स का फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर हम ये पता करते हैं कि कौन कहां तक गिर सकता है, कौन कहां तक बढ़ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। कौन कहां तक डाउनफॉल कर सकता है, कौन कहां तक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो जिसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अपन को समझना ये है मेन मुद्दा कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे और कहाँ करेंगे। आप इसका यूज दोनों में कर सकते हैं, ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, वो आराम से यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्टर भी यूज कर सकते हैं। जैसे पता रहता है ना कि भाई स्टॉक गिर रहा है, कहां तक गिरेगा, तो हम उस अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो ये बढ़िया क्लास होने वाली है, हालांकि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। देखो, प्रीमियम चीज है, और आपको अगर अच्छा लगे तो देखिएगा, क्योंकि आप इन चीजों के पैसे देते हो सीखने के। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा ये, मैं खुद भी यूज करता हूँ, अपने एनालिसिस में भी यूज करता हूँ। आप जो देखते हो ना, ये लेवल्स के चमत्कार की, वही लेवल तक जाता है फिर रिवर्स कैसे आ जाता है, तो सर यही है वो यूनिवर्सल। मैंने कहा था नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, मार्केट बाहर नहीं है नेचर से, नेचर के अंदर ही तो है। अब आप खुद सोचो, नेचर पहले आई या हम पहले आए? हम नहीं आए ना पहले, पहले नेचर ही आई। देखो, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सिंपल सा फंडा है कि कौन कहां तक गिर सकता है, कौन कहां तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये दो बातें आपके बैक ऑफ द माइंड में रहनी चाहिए। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी ट्रेडिंग में यूज करते हैं, वो इस ऑप्शन पे जाके, ये ऊपर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखेगा। तो ये देखो, मैं आपको इसके अंदर नंबर दिखाऊंगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल होते हैं ना, वो ये होते हैं 61.8 और 0.38.2। ये ऐसा सेनेरियो कब लगता है, जब 0.618 ऊपर की तरफ हो, है ना, ऊपर की तरफ, जीरो से ऊपर की तरफ हो। ऐसा सेनेरियो लगता है कब, जब स्टॉक डाउन मूव कर रहा हो या इंट्राडे में ट्रेंड डाउन मूव कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट लेवल 0.618, 0.382। इन लेवल्स का मतलब क्या है, अगर कोई स्टॉक इस लेवल के ऊपर, 0.618 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब है उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। मान लो ये डाउन ट्रेंड है, ये देखो डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना, तभी लगाई लगाई गई ये लाइन बता देगी आपको, ये डाउन ट्रेंड के लिए यूज करेंगे अपन, तब ये लेवल आपको जीरो से ऊपर की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो ये बताता है कि जब भी कोई स्टॉक 0.618 के ऊपर सस्टेन करता है, तब हमें ये बताता है कि इसका ट्रेंड चेंज होने वाला। ठीक, ये बात हो गई ट्रेंड चेंज की, 0.618। और अगर बाउंस करेगा, मान लो कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है, अब इसको बाउंस करना है ज्यादा से ज्यादा, तो ये यहां तक करेगा 0.618 लेवल पर, क्योंकि अगर इसको ट्रेंड चेंज नहीं करना, अगर ट्रेंड चेंज करना तो इसके ऊपर आना पड़ेगा, इसे और काम करना पड़ेगा यहां पे।
बाकी 0.38 2 पॉइंट तक भी बाउंस कर सकता है, 0.50 तक भी बाउंस कर सकता है। तो ये बाउंस के लेवल होते हैं डाउन ट्रेंड स्टॉक्स के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए कि वो कहाँ तक बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड का समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड में ये 0.618 का लेवल कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होगा, ध्यान रखना, 0 से ऊपर की तरफ होगा ये। तो हुई बात डाउन ट्रेंड की। अब ट्रेंड में कैसे लगता है, अप ट्रेंड में ये उल्टा हो जाता है, समझ गया, अप ट्रेंड में ये उल्टा हो जाता है। अप ट्रेंड में जो होता है इसका, अप ट्रेंड में क्या होता है, ये 0.618 का लेवल 0 से नीचे की तरफ होता है। ये दिख रही है नहीं लाइन, जैसे अप ट्रेंड में जा रहा है कोई स्टॉक। अब कोई स्टॉक मान लो यहां से चला 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 जहां तक पहुंच गया, अब वो यहां से गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, 0.382 तक भी गिर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो यहां तक गिरेगा अगर अप ट्रेंड का है तो। अप ट्रेंड का है तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक गिरेगा, 0.618 के लेवल, जहां तक गिरेगा, फिर यहां से अपना ट्रेंड वापस रिज्यूम कर देगा। तो इसलिए बड़े प्लेयर होते हैं इन लेवल्स के ऊपर पोजीशंस बनाते हैं। मार्केट आता है ना नीचे, इसी लेवल से घूम जाता है, फिर नीचे आता है, फिर घूम जाता है, फिर अचानक से क्या हो जाता है उसको, जो वो रैली स्टार्ट कर देता है, खेल इन्हीं लेवल का है। तो समझ में आ गया, जब अप ट्रेंड होगा 0.618 का लेवल कहाँ दिखेगा आपको, 0 से नीचे की तरफ। डाउन ट्रेंड में ये ऊपर की तरफ दिखेगा, 0 यहाँ पे रहेगा और ऊपर की तरफ 0.6। कोई स्टॉक अप ट्रेंड में गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 0.618 या 0.50 तक आएगा, बस 0.50 तक आए। यहां तक क्लियर समझ में कि कैसे काम कर रहा है ये फिबोनाची। मेन लेवल होता है ये 0.618। अगर इसका ट्रेंड चेंज होना है, अप ट्रेंड को चेंज होना है, तो वो 0.618 लेवल को ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। जैसे डाउन ट्रेंड में वो ऊपर की तरफ काम कर रहा था 0.618 के, तो अप ट्रेंड को अगर उसे चेंज करना है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो वो इसके नीचे काम करे, फिर अपना ट्रेंड रिज्यूम करता है वो डाउन ट्रेंड की तरफ। तब तक ये एक करेक्शन होती है 0.618। ठीक है, कई ऐसे फ्लावर्स है नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कई ऐसी चीजें हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों के लोगो यहां तक कि इसी रेशियो में बने हुए हैं, 0.618 के रेशियो में। ये इंसान की लाइफ के अंदर भी होता है, करेक्शन 50% तक आनी है, 38 तक आनी है, 61.8 तक आनी है, वो फिबोनाची नंबर से डिसाइड होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहां तक देखना है। अब हम इसे समझेंगे पहले तो ट्रेडिंग के अंदर, कि हमें ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज किया जाता है ये। इन्वेस्टिंग में भी समझेंगे ट्रेंड के अंदर, जैसे तो यहां तक मैं मान लू कि आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का। ठीक है, बाकी तो वीडियो देख रखे होंगे आप लोगों ने काफी, तो मैं इसको हटा देता हूं अभी। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर सीधा, फालतू की बात नहीं करेंगे, चार्ट के ऊपर देखेंगे, तो जितना प्रैक्टिकल देखेंगे ना उतना सही रहेगा, जितना हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे उतना सही है। तो दोस्तों ये थे आज के मार्केट की हम बात कर लेते हैं, मैं ये लाइन हटा देता हूं। बोला था ना इस कैंडल के नीचे, और ये देखो क्यों हमने डाउनफॉल किया, ये देखो एक ट्रेंड लाइन थी हमारी, उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, किस गैप से, गैप बताया ना मैंने, गैप थ्योरी, ब्रेक अवे गैप, जाके देख लेना जिसने ब्रेक अवे गैप नहीं देखा हो, गैप थ्योरी पे वीडियो बना रखी, गैप से ब्रेक किया हमने ये ट्रेंड लाइन, इसलिए ये मोमेंटम आज नहीं रुका। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको सिंपल फिबोनाची हम इस पर लगाएंगे। जैसे मान लो ये है, हम यहां से चले एक ट्रेंड में, अब ट्रेंड में छोटे छोटे ट्रेंड की भी लगा के दिखा देता हूं मैं आप। ठीक है, छोटे ट्रेंड की, जैसे मान लो ये एक छोटा ट्रेंड, अभी यहां पे हमारे को रेड कैंडल दिख गई, तो हमारे को इसकी करेक्शन देखनी है कहां तक आती है। देखना अब देखना जादू,
तो मैंने ये 0 से लेकर ये ऊपर तक लगा दी। ध्यान रखना अब ट्रेंड में होगी ना, तो पहले आपको टिक लेना है जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तब ये 0.618 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हम जादू दिखाऊं किस लेवल पे आके रुका ये 0.50 गया इसके नीचे, नहीं ना, तभी तो मैंने कहा था ना, क्या कहा था, ये हम स्ट्रॉन्ग जोन में, और मेरा एसएल क्या था, क्या बताया था मैंने, 17,400 याद है, 17,470 याद है, ये लेवल समझ में आ गया। तो अब जैसे हमारे को यहां पे ये रुकता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेंड ट्रेड बना सकते हैं बहुत कम स्टॉप लॉस, बहुत कम स्टॉप लॉस से हम ट्रेड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने यहां से एक चाल की, फिर उसकी रिट्रेसमेंट कर रहा है ये फिबोनाची नंबर 0.50 तक, तो 473 तक कर रहा है, तो हम यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे लेके ट्रेड बना सकते हैं। देखो कितनी शानदार ट्रेड दी दिए ना, दिए या नहीं दिए बताओ, आपके सामने अभी दिखाऊंगा मैं आपको। आप कहोगे ना कि सर आपने, आप चार्ट हम काफी देखेंगे आज, ये देखो अब मैं इस पूरे ट्रेंड की लगाता हूं जहां से ये चला यहां तक, अब इस पूरे ट्रेंड की मैं फिबोनाची लगाता हूं कि हम कहां तक डाउन साइड आ सकते हैं और कहां तक आज रुक के यार, तो मैंने ये लगा दी पूरे ट्रेंड। सर अपना वाला लेवल है ये, वही लेवल है अपना वाला 17,520, देख लेना जाके वीकली लेवल, याद होगा 17,520 वीकली लेवल है अपना, सपोर्ट लेवल है उसके अंदर, यहां पे रुका है। तो अब ये इसको इजीली ब्रेक नहीं करेगा 0.618 को, जहां से एक बाउंस आएगा, समझ गए, ये तो हमने मार्क कर लेगी हम कहां तक आ सकते हैं। लेकिन ये थी अप ट्रेंड की करेक्शन। अब जैसे ये डाउन ट्रेंड चला, ये डाउन ट्रेंड चला है ना, तो हमें अब इस डाउन ट्रेंड की करेक्शन देखनी, तो हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड से लगाएंगे इसको। तो डाउन ट्रेंड से पहले लेके जाओ कहां से वो गिरना चालू हुआ, अब हम इस डाउन ट्रेंड का बाउंस देखते कहां तक आ सकते, आप खुद ऑब्जर्व करना, देखिए वहां तक आता है कि नहीं आता। तो सर इस डाउन ट्रेंड का पहला बाउंस लेवल है ये 17,725, दूसरा है 17,800, तीसरा है 17,865। अगर मार्केट यहां से बाउंस लेने लगा, जैसा कि आप देख रहे हो इस पूरी रैली का 61.8% है ये, जहां पे रुका ये देखो सपोर्ट यहीं लिया था ना पहले 50 पर, अब लिया इसने इस पूरी रेंज। ठीक है, तो अब अगर ये बाउंस करेगा तो ये लेवल आपके सामने है 17,725। आप खुद देखना मंडे को ये लेवल क्या बाउंस आता है, क्या यहीं तक आता है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा ये बाउंस करेगा ना तो 17,867 के ऊपर। लेकिन अगर इसे ट्रेंड चेंज करना है, इसे ट्रेंड चेंज करना है, तो इसे कहां पे काम करना पड़ेगा, कहां पे काम करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट टर्म का देख रहे हैं बना, और तो इसे 17,870 के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, 17,870 यहां तक तो केवल ये बाउंस लेगा, अब देख लो मतलब ऐसी क्या खास बात है, पूरा गैप भी यहीं पे आया है, पूरे इसी लेवल पे आया है गैप, ऐसा क्या है इस फिबोनाची में, पूरा गैप यहीं पे आया है, फिक्स लेवल यहीं पे, गैप फिलिंग थ्योरी भी हम जानते हैं ना, तो आप नोट करके रख लेना 17,728, 17,800 आता है या नहीं आता। ठीक है, ये हुई इस डाउन ट्रेंड के बाउंस कितना ले सकता है, फिर मान लो हम यहां से बाउंस लेके फिर गिरे, ऐसा भी तो हो सकता है, नीचे एक गैप बच रहा है। ठीक है, अब मैं इसी चीज को 5 मिनट पे दिखाता हूं, देखना 5 मिनट पे क्या होता है। अब इसी चीज को मैं 5 मिनट पे दिखाता हूं,
छोटे लेवल हमेशा परेशान करेंगे, बड़े लेवल में अच्छी अच्छी आपको रेंज मिलती है। अगर मैं इसको छोटे लेवल में दिखाता हूं तो ये देखो डाउनफॉल आज हमने स्टार्ट किया, तो पहला लो हमने यहां मारा, ठीक है। अब देख ये मान लो आपने यहां पे देख लिया यार डाउन मूव हो रहा है, तो आप वेट करोगे हो, जैसे ये डबल बॉटम बना, रिट्रेसमेंट कहां तक किसने देख, देखो सर आप खुद देखो, खुद देखो कहां तक इसने रिट्रेसमेंट की, ये वाला 0.50 तक भी नहीं आया पूरा, यहीं से वापस घूम गया। तो आप इंट्राडे जैसे कोई एक पहली चाल ली फिर बाउंस कर रहा है, तो आप तुरंत इस रेंज पे और इस लो रेंज पे फिबोनाची लगा के देख सकते हो कहां तक बाउंस करेगा। तो यहाँ पे ये रुक रहा है, आपको फिर रेड कैंडल दिखा दी इसने यहाँ पे, तो स्मॉल स्टॉप लॉस लगाओ यहाँ पे 0.50 के ऊपर लगा दो, जैसे 731 है ना तो 17735 लगा दो, फिर शॉर्ट कर दो, फिर ये नीचे जाएगा। ट्रेंड तो इसने डाउन का बना दिया ना दिन के अंदर, ऐसे ट्रेड मिलती है इंट्राडे के अंदर भी, ऐसे ही वाइस वर्सा अप ट्रेंड के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ये अप ट्रेंड, अब देखना ये मार्केट यहां रुक रहा था, ये एक अप ट्रेंड था शॉर्ट टर्म 5 मिनट के अकॉर्डिंग, और मार्केट यहां रुक रहा था, देखना यहां पे कोई ना कोई लेवल होगा, यहां पे कोई ना कोई लेवल होगा तभी रुक रहा था वो। डेली के लेवल भी मैं देता हूं ना, ये देखो मैंने यहां से उठाई और यहां पे लगा दी हाई लेवल पे, सर कहां 0.618 के नीचे ही था 0.618 के नीचे ही, इसलिए उसने गैप डाउन कर दिया, हो गया ट्रेंड चेंज, सारे लेवल ब्रेक करके बैठा था वो, सारे लेवल कोशिश की इसने ऊपर जाने की लेकिन नीचे आ पाया। तो हम उस दिन अगर बाय करते तो इंट्राडे में कहां करते, 17975 के ऊपर करते, ये 0.38 कूपन है, रिट्रेसमेंट तो यहां तक थी हमारे पास 17900, लेकिन बार बार 17900 के नीचे जा रहा था, तो इसने यहां पे क्लोजिंग दी कहां पे 17900 के लेवल के नीचे, और दूसरे दिन गैप डाउन कर दिया। ये होती है फिबोनाची, इतना परफेक्ट कैसे आता है सर, एक बार देखो इस लेवल को टच किया, दूसरी बार उसी लेवल को, तीसरी बार ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं गया, फिर नीचे, इतनी एक्यूरेसी फिबोनाची की, मजाक थोड़ी है सर। तो हम ऐसे मूव कैप्चर कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर फिबोनाची के अंदर, जब भी कोई ट्रेंड चलता है। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं पूरा एक एक पूरा मार्केट कि हम डेली लेवल पे पूरा ट्रेंड देखें, अगर हम तो डेली लेवल पे ये एक पूरा ट्रेंड चला है, तो मैं इसकी करेक्शन अगर लगाऊं ज्यादा से ज्यादा हम कहां तक आ सकते, तो सर पहला लेवल ये है 17408 है, अगर इसके नीचे हम क्लोज होते हैं, इसके नीचे काम करते हैं तो ये 16985 पहले आपको दिख जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 17,000 के बाद दूसरा लेवल ये है। ऐसे पैसा लगाया जाता है मार्केट में फिबोनाची लेवल के ऊपर, क्योंकि जब भी इस लेवल से टकराएगा ये पहली बार तो फिर उसके बाद बाउंस आएगा, ठीक है। अगर इसको इस लेवल को ब्रेक भी करना तो पहले इस लेवल पे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे दोबारा आएगा, 50% लेवल ये है, इस पे आएगा पहली बार टकराएगा तो फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो बड़े लेवल का गेम ऐसे देखा जाता है डेली पे लगा के। अब ये था जैसे मान लो ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है बड़ा, अब हम इसकी देखते कहां से हम रिवर्ट हुए थे, तो हमने ये इसको डाउन ट्रेंड को लगा दिया भाई कि हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं। अब देखो ट्रेंड कहां पे चेंज हुआ, कहां पे बदला ट्रेंड, 16990 पे बदल गया, यहाँ पे गैप अप हुआ सीधा, यहीं पे बदल गया ट्रेंड, तो कितनी स्पीड से रैली आई ट्रेंड बदलने के बाद,
ठीक है, तो ऐसे काम होता है। अब देखो मैं यहाँ पे लगाता जाऊं, मान लो मैं यहाँ पे लगा दू, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इस पे वो नागी को, एक की मान लो ये हमने एक पहला सपोर्ट लिया 3 बार, तो मैं पहले यहां तक लगा दे, फिर आपको दिखाता हूँ इसने देखो क्या किया, कहां तक इसने बाउंस किया है। तो ऐसे हम अकॉर्डिंग पोजीशन बना सकते हैं। ये देखो 0.618 लेवल तक पहले इसने बाउंस लिया यहां तक, ठीक है, यहां तक इसने बाउंस लिया, फिर उसके बाद नीचे यहां पे रिजेक्शन मिल रहा था, इसके नीचे काम कर रहा था, ऊपर काम नहीं कर रहा था। ध्यान रखना नेक्स्ट लेवल फिबो का, फिबोनाची का, ये जो 0.618 का लेवल है उसके, ये 0.618 का है, उसके बाद 0.50 का है, उसके बाद 0.382 का है। ये लेवल तभी आएंगे जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, तब ये नेक्स्ट लेवल दिखाएगा, इसके ऊपर काम करेंगे तब ये नेक्स्ट लेवल दिखाएगा, अगर इसके नीचे काम करें तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसे हम इस चीज को देख सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको यूज करते हो डेली ट्रेडिंग में भी। तो ये देखो अब मैं इस अपसाइड की लगा देता हूँ, कहां तक हमने, कहां तक हम रुक रहे थे, ये अपसाइड सर क्या लेवल मजाक तोड़ी है। ये देखो कहां रुक रहे थे हम, कहां रुक रहे थे, ये देखो 0.50 यहीं पे रुक रहे थे ना, इसी 0.50 और 0.82 के बीच में यहीं पे रुक रहे थे। तो इसके बीच में तो कुछ करना है, आइदर साइड ऊपर करना है या नीचे करना है। तो क्लोज हुआ तो कहाँ गया, 17,621, फिर वहां पे भी रुका, देखो वहां से बाउंस लिए कैंडल, फिर नीचे बंद कर दी, दूसरे दिन गैप डाउन ट्रेंड चेंज। ऐसे काम होता है सर मार्केट के अंदर। कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लो आप, स्टॉक में दिखाऊं आपको यही चीज, यही चीज मैं आपको स्टॉक में दिखाता हूँ फिबोनाची जी। अब जैसे सपोज मान लो कौन सा स्टॉक बोले, हाँ एसीसी पकड़ लो आज का, ठीक है, ये एसीसी से दिखाऊं आज, जैसे मान लो 1 आवर का मैंने चार्ट ओपन कर लिया, 15 मिनट का मान लो, तो 15 मिनट में मुझे एक ये ट्रेंड दिख रहा था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दिख रहा था एक ट्रेंड। तो मुझे इस ट्रेंड के लेवल्स देखने हैं कि लेवल्स क्या निकल सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा यहां से लेकर यहां तक फिबोनाची लगा दूंगा। जैसे आपको ये बड़ी मान लो यहाँ पे शूटिंग स्टार भी दिखा दिया, अब काम कैसे करते हैं, अब मान लो आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखा दिया, रेड कैंडल दिखा दी, तब आप तुरंत यहाँ पे फिबोनाची मार्क करें, आपको पता चल जाएगा। तो ये देखो यहीं पे रुक रहा था पहले 0.30 के आसपास, यहीं रुक रहा था, जब इसने ये ब्रेक किया 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद 2615 नेक्स्ट स्टॉप, 2615 आ गया वहां से, फिर नेक्स्ट स्टॉप 0.50, बिल्कुल एग्जैक्ट 0.50 पे आके घूम गया ऊपर, घूम गया ना, ये थी अप ट्रेंड ही करेक्शन, ये अप ट्रेंड ही करेक्शन थी इंट्राडे के अंदर। 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ केवल, मैं आप घूम गया वहां तक आके, तो आप इस बेस पे आराम से ट्रेंड ट्रेड ले सकते हो। जैसे मान लो ये लेवल ब्रेक किया 0.382, वैसे इस लेवल की ज्यादा इंपोर्टेंस होती नहीं है, इन तीन तीन लेवल की इंपोर्टेंस होती है, लेकिन फिर भी शॉर्ट करना था आपको कोई तो लेवल ब्रेक, ये लेवल ब्रेक हुआ 2680 के नीचे, अगर ये कैंडल क्लोज कर रहा है बेफिक्र होकर बैठ जाओ, 0.382 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये तो था जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो, फिर वहां पे आपको कुछ ऐसा दिखाए, तब आप देख सकते हो करेक्शन ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक कर सकता है, ठीक है। मिला ऐसी चीज में देख रहे, और डेली पे दिखाऊं तो मैं ऐसी चीज आपको कॉल दी थी, डेली पे दिखाऊं, चलो डेली पे देख लेते। ये दोस्तों एक एक जोन था, ये मान लो, ये अब मान लो ये ट्रेंड चला था इधर से, इसकी करेक्शन देखे एसईसी ने कहां तक की थी, ये ट्रेंड चला यहां से चला, जब कोई हैमर बन जाए नीचे तो आप तुरंत ऊपर के लेवल से फिबोनाची चला। सर कोई मजाल तोड़िए,
ये देखो कहाँ काम किया है, पूरा 0.618 आया, ये चाल पूरी 0.168 आ के ऊपर। और ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ दोस्तों, अब गौर करना, 2211। कितने दिन काम किया इसके ऊपर, किया काम, किया ना काम, काम किया 2211 लेवल के ऊपर, उसके बाद ट्रेंड ही चेंज कर दिया सर, ट्रेंड ही चेंज कर दिया स्टॉक ने। तो अगर मान लो 2211 पर कोई एंट्री लेता, 2211 के लेवल पे कोई एंट्री लेता मान लो पोजिशनल, उसका स्टॉप लॉस कौन कौन सा होता है, ये पॉइंट, ये वाला लेवल 0.50 का लेवल स्टॉप लॉस हो जाता, कितना 2153, 2211 के ऊपर उसको बैठना था यहाँ पे, इस यहाँ पे इस एरिया में बैठ जाता और आराम से 0.50 का एसएल ले लेता, कितना 4711, 58 पॉइंट। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, ये करते हैं। उसके बाद सर पहला मूवी उसने 2350 तक दिया, उसके बाद करेक्शन वापस लेना है, उसके बाद फिर जो मूव दिया, देख रहे हो जादू। अब मैं इसी को, ये जो डाउन ट्रेंड था, ये जो डाउन ट्रेंड है, इसके ऊपर लगा के देखू तो असली डाउन ट्रेंड का ही तो देखना है हमें, ट्रेंड रिवर्सल कब होगा डाउन ट्रेंड के अंदर। तो ये देखो मैं लगा देता, क्या लेवल था 2267, यही तो लेवल यूज करना है हमें ऊपर का, 2267 का लेवल, यानी कि 0.618 बताए डाउन में, तो ऐसे घूम जाएगी ये फिबोनाची, डाउन ट्रेंड है ना, ऐसे घूम जाएगी ये। ये मैंने लगा दिया यहां से, ये मैंने लगा दिया, क्या लेवल निकल के आता है सर, 2264 का लेवल निकल के आ रहा है, 0.618 का। तो इसके ऊपर तो बैठना था, 2264 के ऊपर तो आपको बैठ जाना था। ये देखो सर 2264 के ऊपर देखो कैसे काम हुआ, ऊपर गया नीचे आया फिक्स यहीं पे रुका, ऊपर 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 ऊपर, आ रहा है मजा फिबोनाची के अंदर, क्लास के अंदर। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, हर टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, बस आपके वो एक अच्छा ट्रेंड चाहिए, मतलब आपको अच्छा या तो एक अब ट्रेंड चाहिए तब इसका यूज, ऐसे नहीं कि 10 पॉइंट गिर गया आप फिबोनाची लगा दो ना, इसके लिए चाहिए आपको एक अच्छा डाउन ट्रेंड या एक अच्छा अप ट्रेंड, तब बेटर फिबोनाची होती है कि बाउंस कहां तक कर सकता है, गिर कहां तक सकता है, तब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के लेवल निकाल के देखे एक बार, यार ऑब्जर्व करना, जैसे यहां से एक ट्रेंड रिज्यूम हुआ था बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा गिर सकती है कहां तक, अगर मैं यहां से लगाऊं शॉर्ट टर्म के लिए, एज ए शॉर्ट टर्म बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा कहां तक गिर सकती है, ये देखो सर उस दिन ये कैंडल बनाई कहां से बनाई, 0.382 से, यहीं से आया यार, यहीं से घूम गया ऊपर, पहली बार आया ना तो पहली बार तो वापिस घूमेगा, ये तो नियम है, पहली बार इसको वापिस घूमना पड़ेगा इस लेवल को टच करते आया। अब अगर हम 40,350 के नीचे जाते हैं तो 39,900 हमारा टारगेट रहेगा, अब इस लेवल के नीचे हम आते हैं तो 39,900 हम दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारा एक रिट्रेसमेंट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए 39,500, ये तो है शॉर्ट टर्म का लेवल, ऐसे आप लगा के देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल आपको दिखा दी दो, तो आप लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा कहां तक गिरेगा। ठीक है, बीच में बाइंग में फंसना नहीं है, ठीक समझ में आ गया। निफ्टी निफ्टी ने ये इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रांग है, देखो इस कैंडल का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसका बिग ट्रेंड देखते तो बिग ट्रेंड ही करेक्शन तो सर बहुत 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 मतलब वो आती है, अभी 39,600 का लेवल ही क्रेक करेगा तब आएगा ये 38,200 पे, तो सर 3,000 पॉइंट गिराने के लिए कोई न्यूज चाहिए ना मार्केट के अंदर, न्यूज चाहिए है कि नहीं, बाकी यहां तक आ सकता कोई दिक्कत नहीं,
इसलिए वो भी जब बैड ग्लोबल सिचुएशन हो, बहुत ज्यादा खराब, ठीक है, तो आप इंट्राडे के अंदर काम कर सकते हो इसको लगा के। और हम देख लेते हैं, जैसे मान लो ये देखो गुजरात गैस ले लो, आज का यहाँ पे ही थे, पूरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, एक ही कैंडल छह दी एक ही दिन। अब मैं इसको लेके जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट, स्टॉक्स के अंदर भी कैसे काम होता। स्टॉक्स के अंदर भी कैसे काम होता है, तो डेली पे मान लेते हैं, मैं डेली पे लेके जाता हूँ आपको। डेली पे हम एक ट्रेंड में चले थे, ठीक है, चले थे, तो हमें देखना है कि हम इसकी रिट्रेसमेंट कहां तक ले सकते हैं। पहले तो हमें ये देखना है, हम डेली में ट्रेंड में चले थे, ये तो है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अगर हम बड़ा देखेंगे, बड़ा लेवल, तो ये देखो जहां से हम एक डाउन ट्रेंड में आए थे, तो ये क्या वहीं से रिवर्स हुआ है 0.618 से? पहले तो ये लगा के देख, ये देखो इसके ऊपर निकल चुका था लेकिन वापस नीचे आ गया, काम कर रहा था ऊपर निकलने के लिए ही कर रहा है ये काम, और निकल जाएगा ये काम करके कभी, तो ऐसे लेवल देखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको अपसाइड मोमेंटम के हिसाब से दिखाऊं शॉर्ट टर्म, सर ये देखो 499 और इसका लो है 501, ये लेवल था 499। हम ज्यादा ज्यादा गिर सकते हैं इसमें कि कहां तक, 490 तक हम गुजरात गैस के अंदर आ सकते हैं, अगर फर्दर कंटिन्यू डाउनसाइड आती है मार्केट के अंदर, तो ये लेवल हमारे को देखने को मिलेगा 490 का, 0.50 का, ठीक है। तो ऐसे अब मैं इसको 1 आवर पे कर देता हूँ, तो 1 आवर पे आपको इस, आपने इस ट्रेंड को तो देख लिया कि हम ज्यादा ज्यादा कहां तक, लेकिन 1 आवर पे हमें एक कैंडल दिखाई इसने बड़ी, तो हम इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे क्योंकि हमारा लेवल था पहला ये 500 का, ठीक है, ऐसे काम करती है फिबोनाची। आपको एक पोटेंशियल, मतलब या तो अपसाइड चाहिए, या तो एक आपको अच्छी अपसाइड चाहिए तब आप रिट्रेसमेंट के लिए यूज कर सकते हो, या आपको एक अच्छी डाउनसाइड चाहिए तब आप बाउंस के लिए उसको यूज कर सकते हो। बाउंस कहां तक हुआ ये देखने के लिए, या रिट्रेसमेंट कहां तक हुआ अपसाइड के अंदर वो देखने के लिए, अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे एक स्टॉक ले लेते अपना न्यूलैंड लेबोरेटरी, ये तो उल्टा ही चलता है, ये तो उल्टा ही चल रहा है, आज ऊपर बैठे हैं, ये देखो बैठे हैं ना ऊपर, 1275 की क्लोजिंग है आज, ठीक है। तो अब मैं इसका डेली पे दिखाता हूँ क्यों मैंने ये पोजिशनल दिया है, क्यों दिया है सर मैंने ये पोजिशनल, डेली पे दिखा देता हूं मैं आपको। ये एक ट्रेंड डाउन बिल्कुल है, अब मैं इसकी फिब लगाऊंगा, फिबोनाची यहां से लेकर यहां तक लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पे ये रुका हुआ है, सस्टेन कर रहा, तो इसके मतलब मुझे यहां तक फिबोनाची लगा। तो सर ये 1411 के ऊपर, ये देखो नहीं गिर जाता इसके ऊपर, इसके ऊपर जिस दिन ये इसके ऊपर निकल के क्लोज हो गया, 0.382 का लेवल है, 1685, 1900, 2100, तो मतलब 1900 तो एक बाउंस का लेवल इसका, इतनी बड़ी करेक्शन का बनता है, सीधा सीधा बनता है, गिराएगा भी तो कंटिन्यू थोड़ी गिराएगा, बाउंस तो लेगा ना, बड़े टाइम फ्रेम की बाउंस भी लेगा ना डेली लेवल की। तो 1700 तो पहला लेवल आ रहा है सर, 1900 दूसरा आ रहा है। अब आप पूछते हो ना मैं स्टॉक कैसे देता हूं, तो अब देख लो आपके सामने ऐसे देता हूं मैं स्टॉक, समझ में आ गया। अब तो फिबोनाची बेटर टूल है, लेकिन आपको चाहिए ऐसी डाउन साइड या ऐसी अपसाइड, ये मान लो ये ऐसी अपसाइड, अगर मैं इस अपसाइड को देखूं लगाऊं जो हम चले थे, ये यहां से चले यहां तक, अब मुझे इसकी फिब करेक्शन लगानी है, तो मैंने ये लगा दी यहां तक लगा दी मैंने ये फिब करेक्शन, ये कहां तक गिर सकता है,
तो सर अभी हम कहाँ बैठे हैं, 0.382 लेवल के ऊपर। इसलिए बार बार यहाँ रुक रहा है, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 1246। इसके नीचे अगर ये ज्यादा दिन तक काम करेगा, इसके ऊपर नहीं आता, तभी ये मान लेना ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि हमने लगाई ये बहुत बड़े टाइम की फिप, जहां पे हमको बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो अब ज्यादा से ज्यादा ये बाउंस कहां तक कर सकता है? ट्रेंड अगर इसको चेंज करना है तो 1859 का लेवल इसको क्रॉस करना पड़ेगा, या इसके ऊपर काम करवाना पड़ेगा। ये देखो दोस्त, पहले स्टॉक आया यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे आया, लेकिन उसके बाद बाउंस, लेकिन उसके बाद नीचे आया। ये देखो 1550 पे कितने दिन काम हुआ, 1550 पे। ये था, ये फिब है इस बड़े लेवल की, कितने दिन काम हुआ, उसके बाद ब्रेक किया, लेकिन रुका नहीं, ऊपर तुरंत बाउंस कर दिया, यहाँ पे नीचे आया लेकिन फिर तुरंत बाउंस। वो क्यों कर रहा है? वो इस लेवल के ऊपर आना चाह रहा है। तभी तो आज मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन ये क्यों नहीं था? क्योंकि ये ऑलरेडी अपने फिबोनाची लेवल के इंपोर्टेंट सपोर्ट पे बैठा है। ठीक है, तो दोनों दिखा दी मैंने। अगर ये डाउन चैनल की करेक्शन को ब्रेक करना है, कितना, अभी हम अप ट्रेंड के चैनल पे यहाँ पे इंपोर्टेंट सपोर्ट पे बैठे, 1246। इसलिए मैंने 1200 का एसएल दिया है, क्योंकि अगर 1200 का एसएल हिट होता है तो काफी दिन से ये नीचे भी है, तो ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम स्टॉक्स में देखते हैं, निफ्टी के अंदर देखते हैं, सबके अंदर देखते हैं। जैसे एक मान लो शुरू में हो जाता है ना, जैसे इंडेक्स मान लो निफ्टी है 11, ठीक है, ये तो नैसडेक, ये मान लो निफ्टी है, तो हमको शुरू में क्यों कहते हैं जल्दीबाजी नहीं करनी? क्योंकि मान लो आपका फर्स्ट हाफ निफ्टी के अंदर मिस हो गया, मतलब शुरू का 1 घंटा मिस हो गया, तो उसको छोड़ दो। क्यों? इसलिए छोड़ दो, अगर कोई मार्केट अप ट्रेंड में जाना है उसे, तो सर वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। मैंने कितनी बार, पहले 1 घंटा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो जो वो पहले 1 घंटा ऊपर जा रहा है उसको फिब से मार्क कर लो, और अगर वो अप ट्रेंड में है तो वो फिब के किसी ना किसी सपोर्ट पे आएगा, वहां पे अपनी एंट्री बनाओ, फिर ऊपर लेके जाओ। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है, जैसे कहाँ गई, 17530, ये था। ये देखो पहले ये कितने बजे का टाइम फ्रेम है, 4:40 टाइम फ्रेम, गलत हो रहा है क्या, क्या चक्कर है, कलकत्ता वाला लगाना पड़ेगा। हाँ, ये कितना है, 10:15। ये देखो कितनी, 1 घंटे तक पहले वन साइडेड मूव किया। अगर आप यहां मिस कर गए तो जबरदस्ती एंट्री मत करो, उसे बाउंस लेने दो। ये देखो बाउंस लिया, अगर इसे कंटिन्यू करना है तो वो फिबोनाची किसी ना किसी लेवल के ऊपर आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे डेली से मार्क कर दी, ये मार्क कर दी, कहां तक आई है, 0.50 तक, 17730। तो 0.618 यहाँ पे वो आपको नीचे दिखा रहा है बार बार, तो 17750 का एसएल, 20 पॉइंट का एसएल लेके आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो दिया आपको रिटर्न, तो जल्दीबाजी नहीं करनी, ऐसे ट्रेंड बनते हैं इसके अंदर। अब हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक रिट्रेस मार सकते हैं, अगर हम आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो 17700 लास्ट लेवल है, और 17750 ज्यादा से ज्यादा यहां तक हम कर सकते हैं, ये आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। तो इसमें ट्रेंड हमें देखना पड़ता है, ट्रेडिंग वाले हमेशा डेली के अकॉर्डिंग यूज करेंगे डेली का लेवल, ठीक है, पोजिशनल वाले हमेशा यूज करेंगे 1 आवर का लेवल। 1 आवर पे कोई अच्छी चाल हो रखी है अपसाइड की या डाउन साइड की, या अच्छी चाल है तो उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक्स है उनको देखना है आपको, मान लो इन्वेस्टिंग करनी है तो कोई अपसाइड हो गई तो रुक जाओ, वेट करो, फिब लगा लो कि इस लेवल तक आएगा तब मैं थोड़ा बहुत पैसा डालूंगा अच्छे स्टॉक्स के अंदर, या फिर कोई स्टॉक गिर रहा है आपको उसे लेना है, परचेस करना है, तो आप फिब लेवल देख लो कि यार इस लेवल के 0.618 लेवल के ऊपर आएगा तब मैं इसके अंदर एंट्री करूंगा, क्योंकि उसका ट्रेंड तब चेंज होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं तो मैं समझा देता हूं, आपको डाउन ट्रेंड करना है तो ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जो बाउंस आएगा
आपको ये वाली लाइन देख लेनी है, ये जो बीच की लाइन चल रही है ना, तो समझ जाना आपने डाउन ट्रेंड वाले पर सही लगाया है। एक हाई पकड़ना है डाउन ट्रेंड वाले में और एक लो पकड़ना है, तब आपको ये लेवल मिलेगा 0.618, 0.038। तब आप देख सकते हो कि यार जब भी इसका ट्रेंड चेंज होगा तो इस लेवल से होगा, 0.618 के ऊपर काम करने पर, तब तक तो ये बाउंस माना जाएगा। ओके, ये तो हो गया डाउन ट्रेंड की बात। अब हम बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में इसको उल्टा कर देना है, मतलब लो से हमें ये टिक लगाना है, जीरो वाला जो ये टिक है ये हमें लगाना है जहां से रैली स्टार्ट हुई, ये वाला टिक वहां से लगाना है, जीरो तक लगाते हैं यहां तक। तब आपको ये जो लेवल है, ये ट्रेंड है, ये लाइन आप ऊपर दिखेगी आपको, मतलब आप अप ट्रेंड में यूज कर रहे हो फिबोनाची, तो कोई स्टॉक यहां तक गया है तो आप वेट करोगे, उस चाल के अंदर नहीं फंसोगे आप उसका वेट करोगे रिट्रेसमेंट लेने का, कि यार वो 0.38 तक रिट्रेसमेंट करता है या 50 तक, वहां पे आप देखोगे कि वहां पे एक हैमर बन रहे क्या, तब आप यहाँ पे एंट्री मारोगे विथ कम स्टॉप लॉस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारी फिबोनाची है, सिंपल सी है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप मार्केट के अंदर तो आपको उतनी ज्यादा ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, बाकी फिबोनाची के ऊपर और भी वीडियो बनाएंगे अपन, और चार्ट भी भेजूंगा चैनल पे आपको, टेलीग्राम चैनल पे लगा के फिबोनाची दिखा के। लेवल सब तो समझ में आ गए होंगे ना, कैसे घूमते हैं अपने लेवल से मार्केट, इसलिए घूम जाता है। टूल बढ़िया है, बहुत अच्छा टूल है, यूज कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया इंट्राडे में और डेली पर, है ना, यूज आपको ऐसे करना है। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे अच्छी चीज। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी प्राइस एक्शन के बनाएंगे और एक दो इंडिकेटर और है मस्त अच्छे से। काम आपको करना है एक चीज पे, आप एक चीज पकड़ लो, अगर आप फिबोनाची कर रहे हो तो फिबोनाची ही करो, प्रैक्टिस आपकी जिस चीज पे ज्यादा होगी ना वो चीज आपको लाभ देगी, हर चीज लाभ देती है। अब देख लो ना, हर चीज, हर फिबोनाची भी वहीं पे, ये यहां से घूमते यहां से घूमते, क्यों घूमते, क्योंकि ये फिबोनाची किसी ना किसी लेवल पे सस्टेन कर रहे होते ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, अब जैसे ये चालती है, अच्छी चालती, इसके बाद ये बाउंस आया, तो ये बाउंस कहाँ खत्म हुआ होगा देख लेना, फिबोनाची लेवल होगा कोई ना कोई सा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऐसे प्लान की जा सकती है 1 आवर के चार्ट से। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 1 आवर के चार्ट से प्लान की जा सकती है, और बड़ी ट्रेडिंग है जो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से प्लान की जा सकती है, बड़ी ट्रेडिंग 5 मिनट से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 1 आवर से प्लान की जा सकती है, पोजिशनल डेली पर प्लान की जा सकती है, इन्वेस्टिंग मंथली पर प्लान की जा सकती है। आ गया समझ में? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मार्केट कमेंट्री कल आएगी आपके पास। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।